टाइपिंग कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ गया। थोड़ा दूर रहे, दूर रहे, पीछे रहे, पीछे रहे। और बस कोई बोलो चलो बता पट्टी लो और बोलो खाली है इसमें केट है। बस बस ज्यादा नहीं करना दूर। बहुत अच्छी कदम उठाया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि ईद के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम थी लोगों को और हम दुकानदारों को भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि टाइम इन्होंने रखा हुआ था 8 से 12 और वो भी चंद दुकानों को। लेकिन रात को एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसीज़न लिया कि 9 से 5 ये अच्छा टाइम है और लोग अच्छी तरह खरीदारी कर रहे हैं और बाज़ार में रश भी नहीं पड़ रहा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि टाइम ज़्यादा हो गया और लोगों का रश कम हो गया। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। आज आप देख सकते हैं कि जिस किस प्रकार से 3 महीने के बाद पुंछ बाज़ार खुला है, हम पुंछ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं जिन्होंने आज 3 महीने के बाद ऑर्डर दिया। 9 से 5 बजे तक बाज़ार खुला रहेगा। इससे आप देख सकते हैं कि जो बाज़ार का रश था वो डिवाइड हो चुका है। पहले जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ईद के त्यौहार की भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कपड़े ले रहे हैं, कोई बूट वाली दुकान पर जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जा रहा है बाज़ार में। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने 9 से 5 तक बाज़ार खुलने का हमें मौका दिया। आज तकरीबन 2.5-3 माह के बाद पुंछ की मार्केट खुली है, तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है और यहाँ पे बाज़ाब्ता जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है।